गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट वीडियो में हमने जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस तूने कवर किया था, आज इस वीडियो में हम आपके पास देखेंगे जो डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे आपके पास शेयर होता है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट तो हमें देखना है प्रोटोकॉल्स होते क्या है। प्रोटोकॉल्स आपके पास होते हैं सेट ऑफ रूल्स By which we can create a connection between two network devices. प्रोटोकॉल्स आपके पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में एक सेटअप क्रिएट करते हैं जिसमें आपके पास वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस आपके पास डेटा ट्रांसफर होता है। एज्यूम करते हैं हमारे पास एक ही सिस्टम है और एक ही सिस्टम है, इन दोनों के बीच में आपको डेटा को शेयर करना है। जब आपको दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा शेयर करना होगा तब आपके पास डायरेक्ट कभी भी डेटा नहीं शेयर होता, हर टाइप का डेटा आपके पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही आपके पास वन डिवाइस से सेकेंड डिवाइस पे आपके पास ट्रांसफर होता है। अगर आपको इन दोनों के बीच में डेटा को आपके पास क्या करना है, शेयर करते हुए जाना है। फर्स्टली हमें इन दोनों के बीच में आपके पास एक कनेक्शन क्रिएट करना होता है। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपके पास डेटा ट्रांसफर होता है, वो किस टाइप का डेटा है ये भी डिपेंड करता है और उसी डेटा के थ्रू आपके पास रेस्पेक्टिवली प्रोटोकॉल्स यूज होता है। तो मेनली अगर हम आपके पास प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन को देखते हैं तो प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी कैन क्रिएट ए कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड शेयर डेटा और एक्सचेंज फाइल्स वन टू अदर डिवाइस। आपके पास एक कंप्यूटर डिवाइसेस से दूसरे आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस में डेटा को शेयर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जो रूल्स के थ्रू आपके पास वर्क करते हैं। रूल्स के हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट प्रोटोकॉल्स का मतलब तो होता है सेट ऑफ रूल्स, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में आपके पास क्या होता है, दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में क्रिएट किया गया कनेक्शन जिसके थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा क्या होता है आपके पास ट्रांसफर होता है। हम देखते हैं आपके पास कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं और उन प्रोटोकॉल्स का आपके पास क्या क्या वर्क होता है। अगर हम आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल को चेक करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है, SMTP प्रोटोकॉल होता है, POP प्रोटोकॉल होता है, FTP प्रोटोकॉल होता है, IMAP प्रोटोकॉल होता है। डिफरेंट टाइप्स के आपके पास प्रोटोकॉल होते हैं, इनसे अलग भी आपके पास PP, प्रोटोकॉल आपके पास होते हैं, PTP प्रोटोकॉल होता है। अगर हम आपके पास चेक करें कि इन प्रोटोकॉल्स की वर्किंग क्या होती है और कैसे कैसे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, सबसे मेनली जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपके पास होता है TCP/IP बेसिक प्रोटोकॉल है जो टू नेटवर्किंग डिवाइसेस को मेन कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर डिवाइस है ये दो आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, फर्स्ट आपके पास एक नेटवर्क डिवाइस है, सेकंड आपके पास एक नेटवर्क डिवाइस है, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एक कनेक्शन को क्रिएट करना है। अगर हम आपके पास देखते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपके पास TCP होता है, इनकी फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इससे इस डिवाइस के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए या कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए TCP यूज होता है।
वन डिवाइस टू सेकंड डिवाइस एक आपके पास कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो आपके पास क्या यूज होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो होता है टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल। इन सब प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म्स आपको मैन्युअली रन होनी चाहिए। अब आपके पास जो डेटा शेयर होता है आईपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपके पास डेटा शेयर होता है, तो दो कंप्यूटर के बीच में बेसिक प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल। हमें यह भी पता है जब डेटा आपके पास वन डिवाइस से सेकंड डिवाइस में आता है तो पैकेट्स की फॉर्म में आपके पास डेटा जाता है, एक डिवाइस से डेटा चलता है और पैकेट्स की फॉर्म में आता है, और पर्टिकुलर पैकेट्स की नंबरिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पैकेट पहले चला है वही पैकेट पहले जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, सब पैकेट डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जा सकते हैं। और आपके पास जब वहां पे जाते हैं तो जिस ऑर्डर में चलते हैं उसी ऑर्डर में अरेंज होकर आपके पास सेकंड डिवाइस के पास हमारी फाइल कंप्लीट हो जाती है। तो टीसीपी जो आईपी प्रोटोकॉल है सबसे मेन प्रोटोकॉल है, दो कंप्यूटर या दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए टीसीपी होता है और फाइल को शेयर करने के लिए आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है, मेनली आपके पास होता है। इनकी फुल फॉर्म सुन लीजिए कि मेनली वर्किंग ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, दो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए टीसीपी प्रोटोकॉल और आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एचटीटीपी, एचटीटीपी आपके पास क्या है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम किसी भी पेज को ओपन करते हैं, किसी भी वेब पेज को हम ओपन करते हैं, तो वहां पर आपके पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। जैसे हम बात करते हैं आप गूगल पे गए और कोई भी सर्च पेज आप ओपन करना चाहते हैं या आपके पास मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है और यहाँ पर आप सर्च एंजन डालते हैं www.facebook.com, जब आपके पास फेसबुक का पेज ओपन होकर आता है तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आता है एचटीटीपी, ऐसे आपके पास उसका पर्टिकुलर यूआरएल आता है, उस यूआरएल के थ्रू आप क्या करते हो वो पेज आपके पास ओपन हो जाता है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस से वो पेज ओपन हो जाता है। तो एचटीटीपी का जो मेनली वर्किंग होता है किसी भी सर्च पेज को ओपन करने के लिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आर यूज टू ओपन एनी सर्च पेज, किसी भी सर्च पेज को ओपन करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं। ठीक है, वेब पेजेस में इसका यूज होता है, किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही आपके पास ओपन, उसकी हेल्प के थ्रू आपके पास ओपन होता है। नेक्स्ट अगर हम प्रोटोकॉल को चेक करें नेक्स्ट आपके पास आएगा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आपके पास एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर आपके पास कोई भी मेल किया जाता है तो वहां पर आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफर SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। यहाँ पर आपके पास दोनों डिवाइसेस का ऑनलाइन होना कंपलसरी है, दोनों डिवाइस आपके पास ऑनलाइन होनी चाहिए, ये डिवाइस भी आपके पास ऑनलाइन होनी चाहिए, ये डिवाइस भी आपके पास नेट सर्वर पर होनी चाहिए, अवेलेबल ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर दोनों ऑनलाइन है SMTP के थ्रू आपके पास डायरेक्ट मेल क्या होता है ट्रांसफर होता है वन डिवाइस टू अदर डिवाइस, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जब भी हम कोई मेल करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास जब मेल ट्रांसफर होता है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही आपके पास वहाँ पर मेल होता है और यहाँ पर दोनों डिवाइसेज आपके पास ऑनलाइन होनी कंपलसरी हैं। नेक्स्ट अगर हम आपके पास देखें पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP, यदि ये भी आपके पास है मेल ट्रांसफर करने के लिए ही होता है लेकिन इसका डिफरेंट थोड़ा सा वर्क है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में आपके पास क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जब आपके पास एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर हम किसी भी मेल को ट्रांसफर करते हैं सिर्फ SMTP पर आपके पास क्या होता है दोनों डिवाइस ऑनलाइन होनी कंपलसरी थी, लेकिन अगर ये आपके पास से सेकंड डिवाइस जो है
आपको इससे इस डिवाइस पर आपके पास एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, और कनेक्शन इस्टेब्लिश करके आपके पास क्या करना है, आपको एक मेल ट्रांसफर करना है। ये डिवाइस इस टाइम ऑनलाइन है, कोई डिवाइस आपके पास पर्टिकुलर टाइम पर ऑफलाइन है। जैसे आपके पास ये मैसेज जाएगा, अभी मैसेज यहाँ से चले गए तो ऑफलाइन भी मैसेज को एक्सेप्ट करेगा नहीं किसी वक्त, ये मैसेज क्या होता है होल्ड हो जाता है आपके पास सर्वर के पास। कोई भी मैसेज जब ट्रांसफर होता है तो सब थ्रू सर्वर आपके पास क्या होता है शेयर होता है, वो आपके पास का जो पाथ होता है वो आपके पास सर्वर के थ्रू जाता है। जब आपके पास वन डिवाइस से सेकंड डिवाइस पर कोई मैसेज ट्रांसफर होगा, अगर फर्स्ट डिवाइस आपके पास ऑनलाइन है, ये वाली डिवाइस तो ऑनलाइन है और ये आपके पास यहाँ से मैसेज चलता है, और आपके पास सेकंड जो डिवाइस है ये ऑफलाइन है, यहाँ से मैसेज चलेगा इसके पास आएगा, लेकिन ये तो ऑफलाइन है तो मैसेज कहाँ जाएगा, मैसेज होल्ड हो जाता है सर्वर के पास। जैसे ये वाली डिवाइस आपके पास ऑनलाइन आएगी, इसकी ऑनलाइन आती है ऑटोमेटिक सर्वर से आपके पास के पास मैसेज आता है, इस मैसेज को पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, होल्ड करके रखता है आपके पास मैसेज को। एसएमटीपी आपके पास है मैसेज तो यहाँ पर भी ट्रांसफर होता था एसएमटीपी पर, लेकिन यहाँ पर आपके पास दोनों डिवाइसेस का ऑनलाइन होना कंपलसरी था, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या है एसएमटीपी पे आपके पीओपी पर मैसेज जो है वो होल्ड हो जाता है सर्वर के पास। जैसे ही आपके पास रिसीवर जो है वो ऑनलाइन आएगा, तुरंत उसके पास पोस्ट पीओपी के थ्रू आपके पास मैसेज रहता है तो वो आपके पास रिसीव कर लेता है। जैसे आप व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर करते हो, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप मैसेज करते हो और अगर वो आपके पास ऑफलाइन है तो मैसेज तो आपके पास से सेंड हो जाता है, मैसेज होल्ड कहाँ पर होता है, सेकंड पर्सन आपके पास क्या है ऑफलाइन है, वो तो उसने अपना मोबाइल ऑफ किया हुआ है, वहाँ पर तो आपके पास मैसेज नहीं जाएगा। आपने यहाँ से मैसेज सेंड किया व्हाट्सएप पे, मान लीजिए करते हैं व्हाट्सएप पर आपने मैसेज सेंड किया और ये ऑफलाइन बैठा हुआ है, तो मैसेज कहाँ पर होल्ड होता है, मैसेज होल्ड होता है सर्वर के पास। जैसे वो डिवाइस आप अपना नेट ऑन करते हो तुरंत आपके पास मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने मैसेज आपके पास स्टोर हुए होते हैं, मान लो आपने कल से नेट अपना बंद किया हुआ है और 24 आवर्स के बाद आपने अपना नेट ऑन किया और इन 24 घंटे में आपके पास 500 मैसेज 600 मैसेज आ चुके थे, ये सेंडर होते ही अपने 500 सेंड कर चुके हैं, अभी आपने उन्हें बीच में रिसीव नहीं किया, क्यों, क्योंकि आप ऑफलाइन थे। जैसे आप ऑनलाइन होते हो एट ए टाइम आपके पास सारे मैसेज इकट्ठा आते हैं, ये नहीं होता कि रुक जाएंगे, तुरंत आपके पास सारे मैसेज स्टोर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वे सर्वर के पास स्टोर होते हैं, सर्वर से ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। तो पीओपी आपके पास क्या काम करता है, जब आप ऑफलाइन भी हो तब भी आपके मैसेज को होल्ड करके रखता है सर्वर के पास और सर्वर से आपके पास डायरेक्ट किसी मैसेज को ले आता है, ये मेन प्रोटोकॉल से पीओपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास एफटीपी प्रोटोकॉल। एफटीपी प्रोटोकॉल जो है फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है थ्रू टीसीपी और आईपी वर्क करता है। पहले आपके पास क्या होता है वन डिवाइस से सेकंड डिवाइस के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, जैसे टीसीपी इन दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश कर लेता है तभी आपके पास किसी एक फाइल को टीसीपी आईपी के थ्रू क्या करता है कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। और आपके पास जब किसी फाइल को ट्रांसफर करना होता है वन नेटवर्किंग डिवाइस से सेकंड नेटवर्किंग डिवाइस के पास, तब आपके पास एफटीपी का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक डिवाइस से सेकंड डिवाइस पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए ही होता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल अगर हम आपके पास देखते हैं आईएमएपी आईमैप प्रोटोकॉल्स, इसे क्या है आपके पास इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। आईएमएपी प्रोटोकॉल जो है ये आपके पास क्या है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर हम बात करें ये एडवांस वर्जन है आपके पास पीओपी प्रोटोकॉल्स का, ये इंप्रूवमेंट वर्जन बोल देते हैं एडवांस बोल देते हैं। जैसे पीओपी वर्क करता था ऐसे आपके पास क्या होता है
ये वर्क करता है। इसका एडवांस वर्जन है IMAP, IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। पीओपी में आपके पास क्या करते हैं, डेटा सर्वर के पास फोल्डर रहता था, और वहां से जब जैसे ही आप क्या करोगे, डेटा चला और ऐसे आपके पास आता और आपको ऑफलाइन में होता था। इसका काम होता है रिकवर करने का, डिलीट मैसेज को। कोई भी मेल अगर आपके पास डिलीट हो गया है तो रिसीवर जो है वो आपके पास सर्वर से उसे रिकवर कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास रिसीवर है, इसमें तो सेंड किया जाएगा, इसके पास ये सेंडर हुआ, ये रिसीवर हुआ, ये मैसेज आपके पास इसके पास नहीं पहुंचा, डिलीट हो गया। तो सर्वर के पास क्या होता है, ये अपने पास से मैसेज को डिलीट कर चुका है इस मेल को, तो सर्वर के पास एक मेल कॉपी होती है। सर्वर उसको मेल को क्या करता है, पहले अपने पास रखता है उसकी एक कॉपी, तब आगे उसे भेजता है। अगर उस मेल को दोबारा से रिकवर करना है तो उस रिसीवर जो है वो सर्वर से उस मेल को दोबारा रिसीव कर सकता है थ्रू IMAP प्रोटोकॉल। इसका आपके पास ये भी एक एडवांस वर्जन है पीओपी का, पोस्टल प्रोटोकॉल का। इनकी फुल फॉर्म्स जो हैं सब आपको लर्न होनी चाहिए। मेल अगर हम आपके पास देखें, IMAP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। एडवांस टू पीओपी, पीओपी का आपके पास क्या एडवांस वर्जन है, रिकवर करता है रिलेटेड मेल्स को। अगर कोई मेल आप अपने पास से डिलीट कर चुके हो और आपको दोबारा से रिकवर करना होता है, तो हम आपके पास IMAP प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर से वो मेल आपके पास दोबारा रिकवर कर सकते हैं, रिट्राई आपके पास कर सकते हैं। सर्वर क्या करता है, उस मेल को जो आपके पास सेंडर ने मेल सेंड किया था रिसीवर को, वो डायरेक्ट जाता नहीं, वो आपके पास क्या करेगा, सर्वर के थ्रू जाएगा। जैसे ही वो आपके पास सर्वर के थ्रू जाएगा, सर्वर उसकी एक कॉपी बना लेता है अपने पास और वो आपके पास आगे भेज देता है। इसकी एक कॉपी सर्वर के पास अवेलेबल है, अगर इसे इसकी दोबारा रिक्वायरमेंट है तो ये सर्वर से दोबारा एक्सेस कर सकता है। ये आपके पास वर्क होता है IMAP प्रोटोकॉल का। इसलिए जब बोलते हैं इंप्रूवमेंट वर्जन, एडवांस वर्जन है आपके पास किसका, SMT POP प्रोटोकॉल्स का। नेक्स्ट हम आपके पास बात करते हैं UDP प्रोटोकॉल्स। देखो आपके पास UDP प्रोटोकॉल जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स आपके पास होता है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये कनेक्शन लेस एक कनेक्शन लेस फुल लेवल प्रोटोकॉल से है, ये विदाउट कनेक्शन क्रिएट किए हुए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर आपके पास क्या करता है, डेटा को सेंड करता है। TCP/IP का यूज नहीं करता, कनेक्शन लेस का मेन पार्ट है ये। बिना कनेक्शन आपके पास क्रिएट किए हुए एक डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस है, दूसरे डिवाइस नेटवर्क डिवाइस पर डेटा को आपके पास क्या कर देता है, शेयर कर देता है। UDP प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस है, रिलायबल है आपके पास, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जब आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डायरेक्ट आपके पास डेटा को सेंड करना है विदाउट कनेक्शन क्रिएट किए हुए, डायरेक्ट आपके पास एक डिवाइस यहाँ पर है, एक डिवाइस आपको एक नेक्स्ट ईयर का डेटा को सेंड करना चाहते हो, तो UDP प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपके पास क्या होता है, डेटा वन डिवाइस टू अदर डिवाइस आपके पास क्या होता है, एक्सचेंज होता है। वन डिवाइस से आपके पास अदर डिवाइस तक डेटा आपके पास एक्सचेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, इन प्रोटोकॉल्स के आपके पास क्या होते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं, कि कौन सा प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर वर्क करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उन प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर को चेक करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है HTTPS, वो आपके पास सिक्योर वर्जन होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिक्योर वर्जन जो होता है वो होता है हाइपरटेक्स्ट HTTPS। ये आपके पास क्या करता है, आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो आपके पास HTTPS भी आपके पास एक एडवांस, ये अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। अब इनके पोर्ट नंबर देखते हैं, सब प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर क्या क्या है।
या आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके पोर्ट नंबर यहाँ पर गिवन है, वन वर्ड में एमसीक्यू में आपके पास इनके पोर्ट नंबर पूछ ले जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं एफटीपी, एफटीपी का जो पोर्ट नंबर है वो 21 है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसका जो पोर्ट नंबर है वो 25 है। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डायरेक्ट आपके पास कनेक्शन क्रिएट करता है, ये आपके पास जो है पीपीपी इसका जो पार्ट नंबर है 110 है पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट आता है आपके पास आईएमईपी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका जो पोर्ट नंबर है वो आपके पास 143 है। एचटीटीपी, एचटीटीपी का जो पोर्ट नंबर है वो 80 है और एचटीटीपीएस इसका जो पोर्ट नंबर है 443 है। तो ये आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स थे जिनकी वर्किंग हमने देख ली है, चेक किए कि आपके पास कैसे कैसे वर्क करते हैं, किस प्रोटोकॉल्स का किस टाइप के डेटा को सेंड करने में आपके पास यूज होता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स थे हमने पढ़ा है, सबकी फुल फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए, इनके पोर्ट नंबर लर्न होना चाहिए, उनकी वर्किंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के वर्क करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके रिलेटेड मैसेज को रिकवर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, अगर आपका मैसेज जो है सर्वर पर होल्ड है वो आपके पास सेंड होता है किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, डेटा फाइल को शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ये मेनली आपके पास क्या होते हैं पार्ट होते हैं प्रोटोकॉल्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स डेटा को सेंड करने के लिए। तो इस वीडियो में हमारे पास प्रोटोकॉल्स का टॉपिक था वही फिनिश हुआ, हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर कर लिया है, टोपोलॉजीज आपके पास स्टडी कर ली है, प्रोटोकॉल्स आपके पास स्टडी हो गया है, एक दो पॉइंट बचते हैं जो आपके पास में देखे थे, इंटरनेट केबल आपके पास हो गई उनके आपके पास अलग से स्टडी करनी होगी, एक दो के बाद एक दो वीडियोस के बाद आपके पास का सिलेबस फिनिश हो जाएगा।